हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 हाफ की थी। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है। 3 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आपके पास सेट गिवन है, इसके सबसेट्स आपको बताने हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो फाई होता है नल सेट होता है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सेकंड हमने किया था कि एवरी सेट, जो भी आप कोई भी सेट उठा लो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें इसके पॉसिबल जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं आपको वो लिखने। ओके, तो इसके कौन कौन से बन सकते हैं? फाई हो गया, अभी हमने कहा कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड इज इटसेल्फ हो गया, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स बन गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए भी दे रखा है आपके पास। इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? फाइव, एक एलिमेंट ए ले लेते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट हो गया आपके पास बी, एंड फोर्थ हो जाएगा इटसेल्फ। क्या फॉर्मूला बताया था हमने कि सबसेट्स कितने बनेंगे इसके अंदर? 2^n, और n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। 2 की पावर 2 करो, 2^2 इज 4, तो इसके पॉसिबल सबसेट बनेंगे 4। नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, 3, इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2^3, यहाँ पे 3 एलिमेंट है 8, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स आएंगे 8। चलो करिए, फर्स्ट इज 5, सेकेंड 1, नेक्स्ट बढ़ा लेते हैं 2, 3, फिर दो दो के पेयर लेके चलेंगे 1, 2, 1, 2, देन 2, 3, थ्री 1, और लास्ट कौन सा रह गया? इटसेल्फ, एक हो जाएगा 1, 2, 3। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स आ गए। 8 आने चाहिए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसके सबसेट हो गए। लास्ट दे रखा है आपके पास फोर्थ, 5। 5 के पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 5 ऑल्सो नल सेट एंड एक इटसेल्फ हो गया, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो इसका सबसेट हो सकता है, विच इज इटसेल्फ। क्वेश्चन 5 कहता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पावर ऑफ पी ऑफ ए हैज़। पी ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। कहता है कि इसके पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? अगर ए के पास, आपके पास ए कैसा है? 5 है, यानी ए आपके पास है नल सेट। अभी हमने फोर्थ इसका टॉपिक किया था, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 5 के पॉसिबल सबसेट्स क्या थे? 5 थे। ठीक है, जब हम पी ऑफ ए बनाते हैं तो पी ऑफ ए का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। हम सेट बना देते हैं पी ऑफ ए के लिए। अब इसके हमें कहा गया है कि ए की वैल्यू क्या है? 5, यानी कि नल सेट है। तो 5 का पॉसिबल सबसेट्स कितना हो सकता है? सिर्फ 1, विच इज 5। तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट आए? 1 एलिमेंट आया। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि पी ऑफ ए हैज ओनली 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसका आपको इंटरवल बताना है। एक्स लाई कर रहा है -4 से 6 के बीच में, बट हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे एक्स हमारा ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, और 6 से इक्वल भी है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली लेस या ग्रेटर के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -4 ओपन ब्रैकेट, हम इंटरवल बनाना है, और इधर से 6 पे क्लोज्ड ब्रैकेट। तो -4 से लेकर 6 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बट -4 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट बनाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स लाइव इज बिटवीन -12 to -10, और स्ट्रिक्टली लेस बोल रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास?
इसका इंटरवल लाएंगे तो दोनों में ओपन ब्रैकेट लग जाएगी माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लाइज बिटवीन 0 to 7। अब हमारे पास इक्वल किसके पास है, 0 के पास, तो यहाँ से 0 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी और 7 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। x बिलोंग्स टू r, x लाइज बिटवीन 3 to 4, जो आपके पास 3 के पास, जो 3 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 4 दोनों के पास इक्वल टू है, तो दोनों पे क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हमने इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इंटरवल गिवन होगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, जैसे हमने 6 क्वेश्चन में इसका उल्टा किया था। क्या आ जाएगा भाई, x, x हमारा किस टाइप का नंबर होगा, x बिलोंग्स टू सबसे पहले तो रियल नंबर, इंटरवल हमने रियल लाइन से उठाया है, और x को आपको बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। हमें दिख रहा है कि दोनों साइड ओपन ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट के लिए हम स्ट्रिक्टली लेंगे x की वैल्यू किससे छोटी है, किससे बड़ी है, माइनस 3 से बड़ी है, और किससे छोटी है, 0 से। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अगर दोनों साइड ओपन ब्रैकेट्स हैं तो आप सिर्फ स्ट्रिक्टली लगाओगे लेस। सेकेंड कहता है 6 और 12, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका क्या बनेगा, x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू 6 से बड़ी है, इक्वल लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है, तो 6 भी इंक्लूड हो रहा है और 12 भी इंक्लूड हो रहा है, 12 के इक्वल और छोटी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 6 और 12, 6 पे ओपन है, देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लाइज बिटवीन 6 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर, 6 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 से छोटा और इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 पे क्लोज्ड है, 5 पे ओपन है, तो हम क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x, यानी x माइनस 3 के बराबर है और बड़ा है और लेस देन हो जाएगा 5 के, ठीक है। ये इसके सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट कहता है कि द सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स कौन सी होती है, जिनका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कहते हैं सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती हैं, जिसके आपके पास दो साइड इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, कंप्लीट इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सेट, ऐसा सेट जो इसको भी इंक्लूड कर ले और इसको भी इंक्लूड कर ले, ठीक है। तो अगर हम ये ले लें कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें सारे ट्रायंगल्स आ जाएं, उसमें राइट एंगल भी आ जाएंगी, उसमें आइसोसेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये दो तो हमें चाहिए ही चाहिए, और भी आपके पास इक्विलेटरल, स्कैलन, सारी अगर हम सबका सेट उठा लेते हैं तो दोनों के दोनों सेट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्वेश्चन 9th कहता है कि ए दे रखा है आपके पास 135, बी सेट दे रखा है 246 और सी दे रखा है 02468। आपको बताना है कि इन चारों में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों में से इनका यूनिवर्सल सेट कौन होगा, इनमें से आपको वो निकालना है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है जो जिसके सारे, इस ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट जिस भी सेट में होंगे वो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब फर्स्ट चेक करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5 इंक्लूड हो गए, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये भी आ गए, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 बट इसके अंदर 8 नहीं है, इसमें 8 एलिमेंट नहीं है, तो ये सी जो वो इसका सबसेट नहीं बनेगा, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 है ही नहीं क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है, तो इसके तीनों एलिमेंट्स को कर रहा है कंटेन, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6 एंड 0, 2, 4, 6, 8 0, नेक्स्ट आया इसके में 2, 4,
सिक्स और एट, सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तीनों के तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, थर्ड सेट में। तो ये आपके पास बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसमें आपके पास थर्ड पिट आप टिक करोगे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.3। एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास टॉपिक आता है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है, ज्वाइन करना, इकट्ठा करना, ठीक है। आपके पास दो सेट गिवन होंगे, जैसे कि मान लो ए सेट हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, बी सेट हमने ले लिया 3, 4, 5, 6। हमें करना है दोनों का यूनियन, मीन्स हमें इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइंट कर देना है। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू, कैपिटल यू से, यानी कि अगर मैं ए यूनियन बी करती हूँ तो ए यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ये सेट की, आप सबसे फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हो कि सेट जब बनाते हैं तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम एक बार ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, सारे एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट 3, 4 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 5, 6। तो ये आपके पास बन जाएगा यूनियन, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, जो ए सेट है, ए सेट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देख लो ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आए हुए हैं, तो ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। बी के एलिमेंट उठाओ 3, 4, 5, 6, यूनियन में चेक करो 3, 4, 5, 6, तो सारे नंबर आए हुए हैं ए के भी और बी के भी, तो दो जो दो ए और बी हैं दोनों ए यूनियन बी के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। यूनियन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं। ये यूज़ होता है आपके पास जब सेट बिल्डर फॉर्म्स की आप यूनियन करते हो। ये तो जैसे रोस्टर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म दे रखा है तो हम यूनियन भी रोस्टर फॉर्म में करेंगे। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाता है तो हम उसके अंदर यूनियन की जगह पे और जो अप्लाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द यूनियन। हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। एक्स सेट दे रखा है 1, 3, 5, वाई दे रखा है 1, 2, 3। हमें निकालना है एक्स यूनियन वाई। यूनियन का मतलब क्या बताया अभी हमने, कि हमें इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है, बट जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक टाइम लिखेंगे। इसके पास है 1, 3, 5, इसके पास है 1, 2, 3, तो 1 और 3 दोनों सेट्स में आ रहे हैं, तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे 1, 2, 3, 5। ये हमारी यूनियन हो जाएगी x यूनियन y। 1, 3, 5 इसके भी एलिमेंट आ गए और 1, 2, 3 इस सेट के भी एलिमेंट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a सेट दे रखा है AEIOU, b दे रखा है ABC। यूनियन कीजिए a यूनियन b, क्या बनेगा, a यहाँ पे भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ए हम एक ही बार लेंगे। ए के बाद बी सी इसके अंदर नहीं है, बी सी ले लेते हैं, फिर EIOU, ये आपके पास बन जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। वेरी इजी, ए सेट दे रखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसको जरा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्स नेचुरल नंबर दे रखे हैं, यानी कि हमें 1 से स्टार्ट करने हैं और 3 के मल्टीपल उठाने हैं। 3 के मल्टीपल क्या बनेंगे, 3, 6, 9, 12, अप टू सम चलते रहेंगे, हमें नेचुरल नंबर दे रखे हैं इन्फिनिटी तक। बी सेट कह रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें आपके पास कौन कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 6 से छोटे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आपके पास ये नंबर आएंगे। अब हमें करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, देखिए एक्स नंबर इस सेट में और इस सेट में, हमें इसके भी एलिमेंट उठाने हैं और इसके भी एलिमेंट उठाने हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट है, ओके। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1, 2, 4, 5,
थ्री कहाँ गया, थ्री को हम लिख देंगे या फिर और लगा देंगे यूनियन के लिए। सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हो, यूनियन कर रहे हो, तो इसी फॉर्म में आपको यूनियन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, क्योंकि 3 कॉमन था और मल्टीपल है 3 का, इसलिए हम यहाँ पे 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे और मल्टीपल ऑफ 3, ये आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। x हमारा किस टाइप का है, या तो वो इक्वल है 1, 2, 4, 5 के, हमने कहा यहाँ पे कि b सेट हमारा है नेचुरल नंबर, सॉरी ये वाला b सेट, x हमारा नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से 5 कवर हो गए, तो 3 हमने उठा लिया मल्टीपल ऑफ 3 में कर, इसके साथ ले लिया, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम दो बार एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट a सेट दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 से बड़ी 6 के इक्वल, यानी इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आए, 1 आएगा, नहीं, x 1 से बड़ा है, तो 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर और x जो वो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 6 से बड़ा 7, 8 और 9, क्योंकि 10 लेना नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस है, तो 10 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इनकी यूनियन, यूनियन में हमारे पास ये एलिमेंट भी आने चाहिए और ये एलिमेंट भी आने चाहिए, सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा 1 से बड़ा, 1 से ग्रेटर 2 से स्टार्ट हो जाएगा और 10 से छोटा, 10 से छोटा मतलब 10 के से छोटा 9 तक इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो x 1 से बड़ा 10 से छोटा, तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9 दोनों के एलिमेंट्स को कवर कर रहा है और x हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर है, तो ये आपकी हो जाएगी यूनियन, ठीक है। ए सेट दे रखा है 1, 2, 3, बी दे रखा है 5, अगर हम इन दोनों की यूनियन करते हैं, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे आप 5 मत लिख देना, अगर आपने इसकी यूनियन बना दी 1, 2, 3, 5, ये गलत हो जाएगी, इसका मतलब B में जो 5 एलिमेंट है, बट यहाँ पे क्या रखा है कि B हमारा नल सेट है, नल सेट का मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ यूनियन A A के एलिमेंट्स को कवर करेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 1.4 एक्सरसाइज, A सेट दे रखा है ए बी, बी सेट दे रखा है ए बी सी, इज A कंटेंट इन B, आपको बताना है क्या A B का सबसेट है, सबसेट होने का मतलब क्या होता है कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, A B A B, तो इसके सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। फिर कहता है कि व्हाट इज A यूनियन B, A और B की यूनियन निकालिए, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा आपके पास, A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट A B C, यूनियन में आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी, सारे के सारे बी के एलिमेंट, क्यों, क्योंकि ए के तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अभी हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था इसमें भी हमारे पास क्या था कि ए बी का सबसेट गिवन है, ठीक है, हमारे पास दो ऐसे सेट हैं कि ए बी ए के सारे एलिमेंट बी के सारे बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, आपको बताना है कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास सेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे दे नहीं रखे, वैसे सेम टू सेम है, ए सेट हमने दिया था ए बी, सेकंड क्वेश्चन से अगर हम देखें बी सेट था ए बी सी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन है, यहाँ पे भी कंटेन है, हमने यूनियन किया तो ए के सारे एलिमेंट उठाते हैं बी के सारे एलिमेंट उठाते हैं, तो यूनियन में आया ए बी सी, किसके इक्वल आया ये, बी सेट्स के इक्वल, बी सेट के इक्वल। अब देखो यूनियन जब हमने किया तो ए बी सी और ए बी सी एलिमेंट बी के अंदर है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर ए हमारे पास सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाते हैं, तो ए छोटा सेट हो गया, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, बड़े वाला सेट आ जाएगा, यानी कि जिसके अंदर कंटेन कर रहे हैं एलिमेंट, तो यूनियन की वैल्यू आएगी बी के इक्वल, जैसे कि इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है। नेक्स्ट कहता है ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, बी सेट दे रखा है 3, 4, 5, 6, ऐसे सी सेट दे रखा है और डी सेट दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनियन में क्या करते हो, सारे एलिमेंट उठाते हो 1, 2, 3, 4 और यहाँ से उठा लेंगे हम 3, 4 यहाँ पे आ चुका, 5 और
सिक्स, ए यूनियन सी करोगे तो ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट उठाएंगे, तो ए के कौन से एलिमेंट हैं, वन टू थ्री फोर, और सी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट देखो फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन एट, सबको इकट्ठा करके रख देंगे सेट के अंदर। बी यूनियन सी, बी हमारे पास दे रखा है थ्री फोर फाइव सिक्स, सी इज फाइव सिक्स सेवन एट, इनकी यूनियन करेंगे तो पाँच और छः, पाँच और छः रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनको हम एक ही टाइम ले लेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। सेम टू सेम बी यूनियन डी क्या बनेगा, थ्री फोर फाइव सिक्स, और डी में है सेवन एट नाइन टेन, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे हम यहाँ पे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। फिर कहते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी करो, यानी कि तीनों की यूनियन, तो हम ए के सारे एलिमेंट उठाएंगे, बी के और सी के। ए के हमारे पास शुरू है वन टू से, वन से स्टार्ट है, थ्री फोर यहाँ पे आ जाते हैं तो हम इनको एक ही बार काउंट करेंगे, फाइव सिक्स सी में भी है बी में भी है तो भी हम एक ही बार काउंट करेंगे। ए के एलिमेंट उठाओ सबसे पहले वन टू थ्री फोर, फिर हम बी के उठाते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर पहले ही आ गए, इनको हम छोड़ देंगे यहाँ से, यहाँ से उठा लेंगे फाइव फोर सिक्स। नेक्स्ट चलते हैं सी के पास, सी में फाइव सिक्स यूनियन में पहले ही आ चुके हमारे पास, तो यहाँ से ले लेंगे सेवन और एट, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन, अच्छा यहाँ पे कुछ और हो गया तो सेम लिख दिया मैंने, ये डी है यहाँ पे, सी की जगह पे डी, तो हमें ए के एलिमेंट बी के और डी सेट के उठाने हैं, ठीक है। वन टू थ्री फोर, थ्री फोर बी के सेट देखेंगे तो यहाँ पे थ्री फोर आ चुका है, तो यहाँ से हम ले लेंगे फाइव सिक्स, और डी सेट के उठाएंगे तो यहाँ पे एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है वन से सिक्स तक, इसके आगे लिख देंगे सेवन एट नाइन और टेन, ये हो जाएगा तीनों की यूनियन। नेक्स्ट करते हैं बी सी एंड डी, बी सी एंड डी उठाना है हमें, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंट थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर हम लिखेंगे सी के फाइव सिक्स पहले ही आ चुके हैं, यहाँ से आ जाएगा सेवन एट, फिर हम लिखेंगे डी के सेवन एट पहले इंक्लूड कर चुके हैं तो यहाँ से आ जाएगा नाइन और टेन, ये थी आपके पास यूनियन। ये आपके पास है 1.4 हाफ एक्सरसाइज, हमने इस वीडियो में कवर की है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।